होली के त्यौहार के मद्देनजर बागपत जिले में पुलिस शराब तस्करों पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है, जिसके चलते कोतवाली बड़ौद पुलिस ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने 10 लाख रुपए की कीमत की 144 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है और हरियाणा से शराब की तस्करी कर लाए रहे 5 शराब तस्करों को भी पकड़ा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों के गैंग के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाली बड़ौद पुलिस को मुखबिर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सघन चेकिंग कर रही थी और इस दौरान पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर को पकड़ लिया, जिसमें हरियाणा से तस्करी कर मेरठ ले जाई रही 10 लाख रुपए की अंग्रेजी अवैध शराब की 144 पेटी बरामद की है और पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। सर क्या मामला है, क्या कितने दारू सर? दारू क्या अवैध शराब है जो हरियाणा से अक्सर अवैध परिवहन होता रहता है, ये बिहार साइड में और अन्य जगहों पे उत्तर प्रदेश में भी जाती रहती है। उसमें एक कैंटर पकड़ा गया आयशर, इसमें आगे केबिन बना करके शराब ले जाते थे। कुछ सूचना ऐसी थी जिससे चेकिंग हुई बिनौली रोड चौकी जो है, इसमें 165 पेटी शराब लगभग 10 लाख रुपए की पकड़ी गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और ये कौन इसका मालिक है, कौन बेचता है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है, रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इस संबंध में इसकी और विवेचना और जानकारी की जा रही है। सर कितने आदमी हैं दारू जो पकड़ी गई है, जो कहीं से पकड़ी गई है? तो ड्राइवर और गाड़ी पकड़े गए हैं, बाकी पूछताछ करके, क्योंकि अक्सर जो लोग रहते हैं इसके पीछे बड़े छद्मवेश में रहते हैं। जी सर, कहाँ से ले आ रहे थे, किस जगह ले जा रहे थे? हरियाणा साइड से ले आ रहे थे और ले जा रहे थे बिहार साइड में। ठीक है सर। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।